उसी तरीके से सीरिया के पास और एक हमें बादशाह का नाम मिलता है सीरिया के पास, ये जो ताइफ है बहरैन तक पट्टी, यहां पर आपको बड़े बड़े कुछ नाम मिलेंगे, जैसे जौशब बिन तवता अल हिमयरी, जुल किला अल हिमयरी, और इसी तरीके से सासा बिन सौहान, ये सब बादशाहों के नाम है उस जमाने में जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कलमा पढ़ते। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है कि उस जमाने के बादशाह जो कलमा पढ़ रहा था, ये सीरिया से आ रहे हैं, ये जो है यमन से आ रहे हैं, यमन से कौन है, वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु अन्हु, ये जो रफुल यदैन की मशहूर हदीस है, वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु अन्हु, रफुल यदैन की मशहूर हदीस। और इसी तरीके से सीने पर हाथ बांधने की, ये सब आपको अहादीस मिलते हैं, एक बादशाह रिवायत कर रहा है, यानी वो उस जमाने के जो बादशाह होते थे, बादशाह खाली कलमा पढ़ के उसका चले नहीं गए, अरे मैं बहुत बिजी हूं, मैं सेठ हो गया, लो पैसे मस्जिद में चंदा दे दिए, उसका दिल के लिए आई नहीं। अक्सर क्या होता है, एक आदमी बहुत पैसे वाला होता है, बहुत बिजी हूं, ये ले लो मौसा भाई, आपके पैसे के साथ मुझे आप भी चाहिए, आपका टाइम चाहिए, पैसा दे देना कमाल नहीं है, टाइम दो, टाइम, ये टाइम बहुत कीमती, क्योंकि आपका मेरे बिजनेस में लगेगा, इसका मतलब टाइम क्या है, बहुत कीमती चीज है, तो फिर मेरे भाई आपका टाइम तो आप इल्म हासिल करो, क्योंकि इल्म से जो काम होता है माल से नहीं होता, इल्म की बड़ी अहमियत है। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बादशाह कलमा पढ़ रहे थे, खाली पैसा नहीं दे रहे थे, अपना टाइम दे रहे थे, यहां तक के हदीसें रिवायत कर रहे, बाद में रावी बन गए माशाल्लाह, वाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और इसी तरीके से तुफैल बिन अमर अद्दौसी, यमन का एक कबीले का एक एरिया में बादशाह थे।